दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी, वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमय राइड के लिए। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं लाल ग्रहण का तीसरा और आखिरी हिस्सा। अचानक चारों ओर से कुत्तों और बिल्लियों के रोने की भयानक आवाजें आ रही थीं और स्याह काली सड़कों पर वो एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तेजी से उसी मनहूस सबजीवन अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। मैं देख पा रहा था कि एम्बुलेंस के पीछे पीछे हवा में तैरते हजारों साए हमारा पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उस घनी आबादी से निकलकर वो एम्बुलेंस कुछ आगे आ गई थी। एम्बुलेंस की लाल बत्ती और तेज सायरन उस ग्रहण लगे चांद की लाली के साथ मिलकर किसी का भी दिल दहला देने वाला माहौल बना रहे थे। मेरी आत्मा के शरीर में ना बंधे होने का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए मेरा वजूद तैरता हुआ उस वैन के अंदर से वैन के बाहर थोड़ा आगे तक आया तो मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस को चलाने वाला ड्राइवर एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था। ड्राइविंग सीट और उसके साथ वाली सीट एकदम खाली थी। अभी मुझे आत्माओं के जगत के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था और ना ही मेरे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह के खौफनाक अजूबों की आदत ही थी। चाहे मेरी आत्मा अपने शरीर में नहीं थी, पर इस खौफनाक मंजर को देख मैं बुरी तरह दहल गया था। ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर किसी ने बहुत जोर से मुक्का मारा हो। पर शायद ये सिर्फ लाल ग्रहण की रात नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नर्क का कोई दरवाजा खोल दिया हो, जहां से ये भयंकर हादसे निकलकर इस धरती पर फैल गए हैं। अभी ये किस्सा मुझे दहला ही रहा था कि मैंने एम्बुलेंस की छत पर एक बहुत बड़े और बहुत ही भयानक काले साय को बैठा देखा। उसके सारे शरीर पर किसी वन मानुष की तरह बड़े बड़े बाल थे और उसका खोपड़ी नुमा चेहरा भी आगे का हिस्सा छोड़ पीछे तक बड़े बड़े बालों से ढका था, जो एम्बुलेंस के चलने से आती हवा में यहां वहां तैर रहे थे। उसकी नाक और आंखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे थे और दोनों हाथों से वो मांस के बड़े बड़े टुकड़े चबा रहा था, जिनसे रिश्ता टपकता खून मेरे कानों में उसी साधु के शब्दों को और मजबूती दे रहा था जिसने कहा था, आज की रात खून टपकेगा लड़के। वहां किसी आदमी की उधड़ी खुली लाश पड़ी थी जिसके टुकड़े वो दरिंदा भंभोड़ भंभोड़ के निकाल रहा था और उन हड्डियों पर से खून और मांस गायब करके उन हड्डियों को यहां वहां काली लाल सड़क पर छितरा रहा था। एम्बुलेंस की गाड़ी लाल घूमती जलती बुझती बत्ती में वो ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों के किसी भयानक सपने को जिंदगी मिल गई हो। बीच बीच में मैंने देखा कि वो अपना हाथ हवा में उठाकर जिस भी ओर इशारा करता एम्बुलेंस उसी ओर मुड़ जाती थी। ये सब जैसे 2-3 मिनट में ही हो गुजरा था, पर इस 2 मिनट के वाकये में किसी का दिमाग पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर देने की ताकत थी। उस घनी रात में भी उस एम्बुलेंस की छत से लगातार टपकते खून से सड़क पर बनती लाल लकीर दूर तक दिखाई दे रही थी। उस साय ने जी भर के उस बदकिस्मत लाश को चीर फाड़ कर अपनी खूनी हवस पूरी कर उसने बचे खुचे कंकाली टुकड़े सड़क पर छितरा दिए और अचानक एम्बुलेंस के सामने कूदकर सड़क पर तेजी से भागना शुरू कर दिया।
अपने चारों पैरों पर वो मौत का अवतार, जहां जहां जितनी भी तेजी से जाता वो एम्बुलेंस बिल्कुल उतनी ही तेजी से और उसी ही दिशा में बढ़ती जाती। अंधेरे में अपनी खिड़की की आंखों से हमें घूरते मकान, धीरे धीरे वो घना अंधेरा जैसे अपने दोनों हाथों से निगलता जा रहा था, और अब हमारे सामने एक अथाह लंबी वीरान सड़क थी जो सुरसा की जीप की तरह फैलती जा रही थी, पर उसके फैलने के साथ साथ उसके आसपास का दृश्य तेजी से बदलता जा रहा था। अचानक थोड़ी दूरी पर जमीन में लगभग एक तालाब जितना बड़ा गड्ढा दिखाई देने लगा। उसे देखने के बाद बाहर चारों ओर फैला अंधेरा भी हल्का लगने लगा था। उस गहरे अंधेरे काले गड्ढे में उस साय ने अचानक छलांग लगा दी और उसका पीछा करती एम्बुलेंस भी अंधेरे को चीरती तेजी से उसी गड्ढे की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा कि जैसे कोई बड़ा हादसा हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा लगा जैसे ये कोई बहुत बड़ी खाई है जिसमें मेरा शरीर और घर वालों को लेकर आती वैन बस गिरने ही वाली है, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो गड्ढा दरअसल किसी बेसमेंट में उतरने का रैंप नुमा रास्ता था जिससे होकर वो एम्बुलेंस इस जमीन के नीचे के हिस्से की ओर बढ़ रही थी, पर किसी और से भी देखने पर यह उस हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं लग रहा था। एक मंजिल, दो मंजिल, इस तरह करते करते वो वैन कई मंजिल नीचे उतरती रही। पहले तो उसकी गति किसी के नियंत्रण में नहीं थी, परंतु फिर अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने उस वैन की गति को संभालना शुरू कर दिया है। कुछ 5-7 मिनट धरती के नीचे उतरने के बाद वो वैन धीरे धीरे एक बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक गई थी। सब लोग एम्बुलेंस से बाहर आए और मेरे शरीर को लेकर उस बहुत बड़े से हॉल में दाखिल हो गए। इस हॉल की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लंबे चौड़े स्टेडियम के ऊपर छत रख दी हो। जहां तक नजर आती थी वहां दूर दूर तक बेड ही बेड रखे थे, पर वो बेड किसी भी लिहाज से इस जमाने के नहीं लग रहे थे। जमीन से लगभग 4-4.5 फीट ऊंचे बेड अपने आप में किसी और काल के रहस्यों को समेटे हुए थे। एक ओर से गद्दे को उठाने वाला बड़ा सा लीवर लगा था जिसकी वजह से गद्दा सिराने की ओर से काफी ऊंचा हो गया था। बेड पर एक और चमड़े के दो बड़े बड़े मोटे से बेल्ट लटक रहे थे और दूसरी ओर जंग खाए पुराने बक्कल। जंग ने तो जैसे उस पूरे बेड को हर ओर से खा लिया था। माँ, भैया और दीदी ने किसी तरह मेरे शरीर को स्ट्रेचर से उठाकर उस खाली बेड पर डाला ही था कि तभी जाने कहाँ से एक लंबा चौड़ा अटेंडेंट सफेद पुराने कपड़े पहने प्रकट हुआ और उन्हें तेजी से टोकते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता ये बेड खाली नहीं है। रुको, मैं खाली बेड का इंतजाम देखता हूं। कहकर वो जाने एक पल में कहां गायब हो गया था। मेरे घर वाले एक दूसरे को सवालिया निशान से देख रहे थे, पर मैं सूक्ष्म शरीर में होते हुए देख पा रहा था कि ये बेड ही नहीं, उन ढेर सारे बेड्स में से कोई भी खाली नहीं था। हर बेड पर एक ना एक चीखती कराहती आत्मा लेटी थी जिसमें से एक की ओर भी देखना बड़ा मुश्किल था। इतने भयानक कटे फटे बदन और चेहरे किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकते थे। तभी लेखराज अंकल ने अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में मेरे कान में फुसफुसाया कि कुछ भी करके हमें जल्दी से यहां से निकलना है। ये अटेंडेंट और कोई नहीं, वही भयानक साया है जो हमें घर से यहाँ तक एम्बुलेंस के ऊपर बैठाकर और फिर एम्बुलेंस के सामने कूद कूद कर यहाँ लाया है। ये लाल ग्रहण एक ऐसा मौका होता है जब ये शैतान, जिसका नाम मुर्दान है, इस तरह के अपने कई रूप बनाकर जगह जगह से मानव शरीर और आत्माओं को जमा करता है ताकि मानव मांस से इसकी भूख प्यास बुझ सके, इसकी बेपनाह ताकत इसी तरह बढ़ती रहे।
जब तक तुम्हारे बेहोश शरीर पर ये मेरे मंत्रों द्वारा बना प्रकाश कवच है, तब तक ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पिताजी और दादाजी की आत्मा को यहां इस जमीन पर मरने की वजह से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ये उसी सब जीवन हॉस्पिटल का नीचे का हिस्सा है, पर इसे आम दुनिया के लोग नहीं देख सकते। इन दोनों की मृत्यु मुर्दान की वजह से ही हुई थी। जिस समय हम दोनों साधना किया करते थे, उसी दौरान एक ग्रहण की रात इस मुर्दान की वजह से हमारी साधना तोड़ दी गई थी, क्योंकि हम सिर्फ भटकती अशांत आत्माओं की मुक्ति के लिए साधना करते थे और मुर्दान ज्यादा से ज्यादा आत्माओं पर कब्जा करना चाहता है। अपनी साधनाओं और कठिन परिश्रम से हमने जितना ज्ञान और सिद्धि अर्जित की है, वो हम अपने परिवार में ही किसी को देना चाहते थे। तुम्हारे देवू भैया को हम ये सिद्धियां देना चाहते थे, पर उनकी कुंडली में एक पाप ग्रह होने की वजह से हम उन्हें इस अनुभव में शामिल नहीं कर पाए। हर मनुष्य का फर्ज है कि वो अपना जीवन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चलाने के साथ साथ पूरी कोशिश करे कि वो बिना किसी स्वार्थ के किसी न किसी के काम आता रहे। कोई न कोई छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऐसे काम करे जाएं जिससे किसी के जीवन में कोई अच्छा बदलाव लाया जा सके। और यहाँ तो उन मौन, मूक, तड़पती आत्माओं की बात है जिन्हें अगर कोई मदद न करे तो वो हजारों साल क्या युगों तक भटकती रहेंगी। देखो इन भटकते काले सफेद सायों को, देखो इन बिस्तर पर पड़ी इन आत्माओं को। जब तक तुम मुर्दान को एम्बुलेंस की छत पर उस लाश को भंबोड़ता देख रहे थे, तब मैं भी उस पूरे दृश्य को देख रहा था। ऐसी मौत पाकर किस शरीर को मुक्ति मिल पाएगी? जाने कहां से वो उस शरीर को उठाकर लाया था। मेरी नजर में अगर तुम मेरा साथ दे पाओ तो धीरे धीरे हम मुर्दान के आतंक को खत्म ना कर पाए, पर इन बेचारी आत्माओं को मुक्ति तो दिला ही सकते हैं। तंत्र में ऐसी कई शक्तियां हैं जो हमारी पहुंच से तो कहीं बाहर हैं, पर हम वो सब तो कर ही सकते हैं जितना हमारे बस में है। ठीक कह रहे हो बेटा। पीछे से फिर एक बार भारी भरकम आवाज ने लेखराज अंकल को अपनी बात रोकने पर मजबूर कर दिया था। ये आवाज किन्हीं और की ही नहीं बल्कि उन्हीं साधु बाबा की थी जिन्होंने न सिर्फ हमें मंदिर के सामने चेतावनी दी थी, बल्कि सुनैना दीदी को भी एक आत्मा की ऊपरी हवा से बचाया था। उनकी आवाज सुन लेखराज अंकल के सूक्ष्म शरीर और पिताजी की आत्मा ने भी हाथ जोड़ दिए थे। तभी वो बाबा फिर बोले कि बेटा, वो मुर्दान तो इसी एम्बुलेंस से तुम सब की भयानक दुर्घटना करवाना चाहता था, परंतु मैंने ही उसी समय अदृश्य रूप में इस एम्बुलेंस को कुछ देर पहले संभाल लिया था। इस पर लेखराज अंकल ने बताया कि ये बाबा इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से लेखराज अंकल और मेरे पिताजी के गुरु रह चुके हैं, और मेरे पिताजी और लेखराज अंकल कई जन्मों से किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ ही हैं और तंत्र साधनाएं कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें कुछ पल के लिए शक्ति प्रदान करता हूं तो तुम इस शैतान और यहां घटने वाली हर घटना को असली रूप में देख पाओगे। तभी मैंने देखा कि वो दूर दूर तक बिछे पुराने से दिखने वाले अस्पताल के बेड बेड नहीं थे, बल्कि दूर दूर तक बड़े बड़े ताबूत बिछे थे जिनमें वो आत्माएं अपने गले सड़े पुराने शरीरों के साथ दबी हुई थी, जो जाने कितनी सदियों से अपनी रिहाई का इंतजार कर रही थी। मैंने तो क्या, शायद किसी ने भी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। मुर्दान ने इस धरती पर ही अपने किस्म का एक नरक बसा रखा था। मुझे अगर आज ना मालूम होता तो शायद मेरे पिताजी और दादाजी की आत्मा भी जन्म जन्म भटकती रहती, पर इस सब के दौरान देवू भैया, माँ और दीदी बहुत हैरान और परेशान थे। सारे बिस्तर उन्हें खाली दिख रहे थे, फिर भी अटेंडेंट की शक्ल में आए मुर्दान ने उन्हें झिड़क दिया था कि ये बिस्तर खाली नहीं है। माँ मेरे शरीर की ओर देख देख कर लगातार रोए जा रही थी। साधु बाबा के अदृश्य रूप में होने की वजह से उन्हें भी कोई
देख नहीं पा रहा था, पर वो माँ को परेशान होता और रोता देख रहे थे। ऐसे में उन्होंने हाथ ऊपर कर आंखें मूंद कर एक मंत्र पढ़ा और अचानक माँ, भैया और सुनैना दीदी चुपचाप एक और आराम से बैठ गए। शायद न तो उन्हें ये भान था कि वो कहाँ हैं और न ही उन्हें मेरी बेहोशी की अवस्था में होने का कोई दुख था। अब मेरे लिए उन अदृश्य लोगों की दुनिया पर ध्यान देना आसान था। तभी अचानक एक बड़े घंटाघर के घंटे जैसी तेज आवाज हुई और उस आवाज की दिशा में हमने देखा तो रात का 1:30 बज चुका था। जाने उन साधु बाबा के मन में क्या आया कि उन्होंने हाथ ऊपर कर एक और मंत्र पढ़ा और वहां उस मनहूस जमीन पर अचानक एक जगह आग जलने लग गई। साधु बाबा ने मुझे, पिताजी की आत्मा और लेखराज अंकल को एक मंत्र दिया और कहा कि चाहे तुम्हें जो भी दिखे, चाहे तुम्हें लगे कि यहाँ जीवित व्यक्तियों को मृत्यु ने निगल लिया है, फिर भी तुम किसी भी हाल में मंत्र का जप बंद मत करना। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। हम सब के मन मस्तिष्क इसी मंत्र पर केंद्रित हो चुके थे। उसी समय मुर्दान की भयानक प्रेत लीला शुरू हो चुकी थी। अचानक हजारों आत्माओं, प्रेतों, चुड़ैलों के रोने और अजीब तरह से हंसने की आवाजें आने लगी। एक बहुत ही भयंकर तूफान सा आना शुरू हो गया और भयानक बिजली कड़कने लगी। एक भयानक धमाका हुआ और हमने देखा कि जिस एम्बुलेंस में हम लोग बैठकर यहां तक पहुंचे थे उसमें आग लग चुकी थी। एम्बुलेंस से निकलता काला धुआं वहां बुरी तरह फैल रहा था। उन ताबूतों में लेटी भयानक आत्माएं अचानक ताबूतों में ही उठ बैठी और अपनी भयानक चीर फाड़ देने वाली नजरों से हमें घूरने लगी थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे हर ताबूत में कोई आत्मा नहीं, खुद मौत का फरिश्ता मुर्दान ही बैठा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं थी। वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि मुर्दान के भयानक साए से यहाँ का कोई भी कोना बचा हुआ है। तभी साधु बाबा ने अपने हाथ हवा में उठाकर जोर से कहा, जो आत्माएं मुक्ति चाहती हैं और मेरी आवाज सुन सकती हैं, वो मेरे पास आ जाएं। ऐसा उन्होंने कई बार कहा और धीरे धीरे उनके पास कुछ पुण्य आत्माओं का एक झुंड सा जमा हो गया। मुझे लगा कि वहां बिलखती हजारों आत्माओं के मुकाबले हम थोड़ी सी आत्माएं क्या कर लेंगी, पर तभी मैंने सोचा कि एक भयानक सुनसान अंधेरे जंगल में जैसे एक छोटा सा दिया कितनी रोशनी पैदा कर देता है। असफल होने के डर से तो किसी काम को नहीं किया जा सकता और ये तो अपने आप में एक धर्म युद्ध ही है जो शायद हमारी किसी कोशिश के सफल होने पर इन सब आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकता है। और किसी के लिए करें ना करें, पर अपने पूर्वजों यानी पिताजी और दादाजी की आत्मा को ईश्वर के द्वार का रास्ता दिखाने के लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं ये साधना साधु बाबा के निर्देशों के अनुसार पूरी करके ही रहूंगा। साधु बाबा के पीछे जमा हुई सभी आत्माओं को उन्होंने उसी मंत्र का उच्चारण करने को कहा, पर उन आत्माओं का उस झुंड से अलग होने का अर्थ मुर्दान से बगावत करना था और वो ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता था। आखिर अपने बनाए नर्क का सूत्रधार, इस काली दुनिया का खुदा और असहाय आत्माओं का शिकारी था वो कमीना। इतनी आसानी से वो कैसे उन आत्माओं को किसी और का हुक्म मानने देता। पर रावण और कंस की तरह शायद वो ये भूल गया था कि भले ही वो इस नर्क का खुदा हो, पर भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ना तो उससे दुश्मनी करने की हमारी औकात थी और ना ही कोई इच्छा।
हमारा ध्येय तो बस इन आत्माओं की मुक्ति ही था, पर मुर्दान को यह मंजूर नहीं था। वहां रखे हजारों ताबूत अचानक धू धू करके जल उठे। उनमें बैठी आत्माओं के मायावी शरीर किसी मोमबत्ती की तरह गलने लगे। तभी अचानक मुर्दान सामने आया और अपने तेज पंजों से उसने मेरी माँ, भैया और दीदी का सर धड़ से अलग कर दिया और उन तीनों की गर्दनें एक हाथ में उठाकर उनसे रिश्ता लहू पीने लगा। इसके बाद जब उनके चेहरों से खून की एक एक बूंद चूस ली गई और उनकी खोपड़ियों से मांस निचोड़ लिया गया, तो वो तीनों खोपड़ियां उसने हमारी ओर उछाली, जो सीधा गुरुजी द्वारा लगाई गई आग में जा गिरी। उनका यह हाल देख मैं दहल गया था, पर इसके बाद मेरे बेहोश जिस्म की बारी थी। वो सीधा मेरे शरीर की ओर बढ़ा और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। शायद लेखराज अंकल के मंत्रों का कवच भी मुझे बचा नहीं सका था। मेरे सामने ही मेरी भी मृत्यु हो गई थी। मैं बुरी तरह परेशान था और इसी दौरान मैंने जैसे ही मंत्र बोलना बंद किया कि साधु बाबा ने मुझे इशारे से चुप रहकर मंत्र बोलना जारी रखने को कहा। मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में हमें वो मंत्र बंद नहीं करना। जिस प्रकार श्री राम और माता सीता को मायावी रावण ने माया से एक दूसरे के सर काटकर भिजवाए थे, उसी प्रकार ये मुर्दान भी ऐसी हरकत कर रहा है। रावण ने ऐसा छल तब किया था जब उसके पास और कोई चारा नहीं था और वो युद्ध वो लगभग हार चुका था। यानी हो ना हो, अगर ये सब झूठ था, छल था, माया थी, तो मुर्दान भी कहीं ना कहीं काली माँ की शक्ति के आगे मजबूर हो चला था। इस बात को सोचकर मेरे मन की शक्ति और बढ़ गई थी। इसके बाद हम सब ने कुछ और पवित्र आत्माओं की शक्ति के साथ मंत्र उच्चारण जारी रखा और अपना ध्यान बाकी हर ओर से हटाकर काली माँ के चरणों में खुद को सौंप दिया था। कभी कभी हम सिर्फ बहाना बनते हैं, पर शैतान की पराजय ईश्वर अपने हाथों से लिख चुका होता है। साधु बाबा अपने बरसों की सिद्धि की शक्ति से लगातार साधना में लगे रहे। कुछ देर बाद एक भयानक धमाका हुआ और इसके बाद अचानक शांति सी हो गई। गुरुजी के आदेश पे हमने आंखें खोली तो हमारे आसपास सारी मृत आत्माएं कहीं विलीन हो रही थी, पर अभी मंत्र का उच्चारण जारी रखना था। हमारे आसपास शांति होने के बाद भी जो आत्माएं उन अनदेखी कब्रों से नहीं निकल पाई थीं, वो अभी भी कतरा कतरा पिघल रही थीं। कुछ हमारी ओर आना भी चाह रही थीं, पर पवित्र शक्ति ने उन्हें रोक रखा था। मुर्दान के लिए अधिक समय नहीं बचा था। उसका भयानक वजूद अचानक कई गुना बड़ा हो गया और वो हजारों आत्माएं और साए धीरे धीरे उसी में समा गए। हमें खत्म कर देने वाली नजरों से वो हमें देखता हुआ धीरे धीरे पलटा और कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद मैंने भी अपने होश खो दिए थे। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने शरीर में वापस आ चुका था और अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। साथ वाले बिस्तर पर देवू भैया आराम से सो रहे थे। मेरे बिस्तर पर साधु बाबा और लेखराज अंकल अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बैठे मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मेरे होश में आते ही गुरुजी ने आशीर्वाद की मुद्रा में इशारा किया और बोले, उठो बेटा, 4 बज चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका है और जल्दी ही सूरज निकलने वाला है। मुर्दान से आत्माओं को मुक्त कराने का काम मैं कई सदियों से करता आ रहा हूँ। मेरा शरीर हिमालय की एक कंदरा में 400 वर्षों से तप में लीन है और कई शक्तिशाली देव उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए चाहकर भी मुर्दान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज ही नहीं बल्कि लाल ग्रहण की हर रात मुर्दान जागता है और उसका मुकाबला करने के लिए मैं भी आता हूँ। लाल ग्रहण लगभग हर 100 वर्ष के बाद आता है। इस प्रकार मेरी
और मुर्दान की इस लोक में 4-5 भेंट हो चुकी हैं। वो उस इलाके का ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की अतृप्त आत्माओं को बदलकर इसका खुदा बनना चाहता है। अहंकार किस हद तक किसी को प्रकृति के विरुद्ध जाने को मजबूर कर सकता है, मुर्दान उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकलते हैं, उसी प्रकार आज इस ग्रहण के मंथन से मुझे तुम्हारी दोबारा प्राप्ति हुई है। कई सदियों पहले से मैं तुम्हें देख रहा हूं, पर अब तुम में साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लक्षण पैदा हो चुके हैं। समय आ गया है कि तुम हमारे शिष्य लेखराज और हमारे मार्गदर्शन में साधना की तैयारी शुरू करो। हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन हम करेंगे। मुर्दान भले ही आज हम पर पूरी तरह से प्रहार ना कर पाया हो, पर अहंकार अपनी हार आसानी से नहीं मानता। अगले लाल ग्रहण तक साधना कर अपनी शक्ति बढ़ाकर मुर्दान फिर लौटेगा, पर इस बार उसके मुकाबले के लिए तुम हमारे साथ रहोगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें जगाने हम फिर लौटेंगे। तब तक तुम लेखराज जी के साथ जाकर उस अस्पताल के पीछे हर शनिवार रात साधना करना, ताकि वहां फंसी आत्माओं को धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये काम आसान नहीं होगा और काफी खतरनाक होगा, पर हम तुम्हारे मार्गदर्शन और रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर वालों के मस्तिष्क से लाल ग्रहण की सारी घटनाएं हटा दी गई हैं, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि तुम इन सब बातों को गुप्त रखो जैसे लेखराज और तुम्हारे पिता रखते थे। मुर्दान की अतृप्त आत्माओं के प्रहार से ही तुम्हारे पिता और दादा की मृत्यु हुई थी, इसलिए लाल ग्रहण की रात ही साधना के दौरान उनकी मुक्ति संभव थी। लाल ग्रहण की रात मृत्यु की ही नहीं मुक्ति की भी रात है। अब हमें आज्ञा दो, समय आने पर हम खुद तुमसे संपर्क करेंगे। तब तक हर शनिवार तुम इनके साथ साधना का क्रम जारी रखना। इसके बाद साधु बाबा और लेखराज अंकल का अक्स धीरे धीरे विलीन होता चला गया। दरवाजे की घंटी बजने से कोई 9 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो बाहर पुलिस वाले उस इलाके में बिखरे मानव अंगों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पूरे इलाके में आतंक था कि आखिर ये किया तो किसने किया? क्या कोई नरभक्षी जानवर इस इलाके में खुला तो नहीं घूम रहा? साधु बाबा को दिए वचन के कारण मेरे होंठ सिले थे, पर मेरा अंतर्मन जानता था कि इस इलाके में कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक मुर्दान और उसके आसपास गुलाम आत्माओं का वजूद है। क्या कभी उस पापी को उसके किए अत्याचारों की सजा मिलेगी? क्या साधु बाबा और हम सब मिलकर उसे पराजित कर पाएंगे? क्या इस धरती से कभी मुर्दान का आतंक खत्म होगा? इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में ही छुपे थे। इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना था 100 साल बाद पड़ने वाले अगले लाल ग्रहण का।